हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन्स। तो एंटीजन्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंटीजन्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। तो आज हम पढ़ेंगे एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स कितने टाइप के होते हैं, इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है और एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंटीजन्स, एंटीजन इज़ ए सबस्टेंस दैट एंटर द बॉडी एंड स्टार्ट ए प्रोसेस दैट कैन कॉज डिसीज़। तो बेसिकली एंटीजन एक सबस्टेंस होता है, एंटीजन एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिसीज़ कॉज करते हैं। तो एंटीजन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सबस्टेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं या एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में कॉज करते हैं, उन्हें हम एंटीजन्स कहते हैं। And then the body then usually produce substance antibody to fight the antigen. और हमारी body इन antigens से fight करने के लिए एक chemical produce करती है जिसे हम बोलते हैं antibodies. तो antigens के again जब antigen हमारी body में enter करते हैं तो उसके against हमारी body antibodies develop करती है इन antigens से fight करने के लिए. Next, इन दी अदर वर्ड्स एनी सबस्टेंस दैट कोज द बॉडी टू मेक एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट सबस्टेंस। तो अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो एंटीजन वो सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को इवोक करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन्स के अगेन। अगर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, इवोक होगा, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा किसके अगेंस्ट, एंटीजन्स के अगेन। नेक्स्ट, एंटीजन इंक्लूड्स टॉक्सिन्स केमिकल बैक्टीरिया वायरसेस और अदर सबस्टेंस दैट कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो एंटीजन्स टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं और वो अदर सबस्टांसेस भी हो सकते हैं जो कहाँ से बॉडी में एंटर करते हैं, आउटसाइड द बॉडी, जो क्या करेंगे, बॉडी के बाहर से जो एंटर करेंगे। जैसे हम कुछ अगर हम खाते हैं या हम स्वेलिंग करते हैं तो उसके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में इन्वेड करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटीजन्स। तो ये एंटीजन्स का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये एक पैथोजन है, पैथोजन्स मीन्स ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, तो उसके सरफेस पर ये एंटीजन प्रेजेंट है। तो बेसिकली एंटीजन्स क्या होते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल पर अटैच होते हैं, आप देख सकते हैं ये एंटीजन्स है। तो ये एंटीजन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, इन जनरल एंटीजन आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स एनी पोर्शन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस सच एज सरफेस प्रोटीन कोट कैप्सूल टॉक्सिन्स एंड सेल वॉल कैन सर्व एज एंटीजन। तो एंटीजन्स जो मेनली होते हैं वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, और वो कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस इनके सरफेस पर प्रजेंट होते हैं, तो हम उसको जो उनका सरफेस है उसे हम बोलते हैं एंटीजन्स, क्योंकि एंटीजन जो है मोस्टली इन बैक्टीरियाज वायरस इनकी सेल वॉल पर क्या करते हैं, अटैच रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एन एंटीजन कंटेन साइट और इन इट्स सरफेस विच इज़ कॉल्ड एन एपिटोप। तो एंटीजन्स के पास एक छोटी सी साइट होती है, एंटीजन्स के पास एक छोटी सी साइट कंटेन वो करता है, एक सरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली एपिटोप वो बाइंडिंग साइट होती है जहाँ एंटीजन जो है, एंटीबॉडीज जो है वो उस रीजन पर आकर क्या करती है, बाइंड करती है, और इस रीजन को हम बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एन एंटीबॉडीज जनरेटेड अगेंस्ट एन एंटीजन रिकॉग्नाइज एंड इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक एपिटोप वीए एंटीजन बाइंडिंग साइट टू ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उन एंटीजन्स के अगेन एंटीबॉडी जो होगी वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ जो होगी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, और जो स्पेसिफिक साइट है इपिटोप
उससे जाकर एंटीबॉडी क्या होगी, बाइंड होगी और हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसे ट्रिगर करेगी, उसको स्टिमुलेट करेगी उस एंटीजन के अगेन। नेक्स्ट ये हम डायग्राम देख सकते हैं, ये एक सेल है किसकी, बैक्टीरिया की, मान लो बैक्टीरिया की सेल है, इसमें ये जो है एंटीजन पर, ये इसकी साइट के ऊपर एंटीजन है, ये इपिटोप रीजन है, देख सकते हैं आप ये सेल के अंदर एंटीजन है, ये इपिटोप रीजन है। तो इपिटोप रीजन जो है आउटसाइड द सेल है, ये एंटीजन का स्ट्रक्चर है और ये इसकी डिटर्मिनेंट साइट है जहाँ एंटीबॉडीज़ जो है वो आकर अटैच हुई है, किस रीजन से, इपिटोप रीजन से, और इपिटोप रीजन को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट भी बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि ये सेल है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और इसकी सेल वॉल पर एंटीजन और इपिटोप अटैच है जहाँ पर एंटीबॉडीज़ जो है वो आकर बाइंड कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर है एंटीजन का। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटीजन का। तो एंटीजन को उनके ओरिजिन के बेस पर और उनके इम्यून रिस्पॉन्स के बेस पर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ओरिजिन के बेस पर एंटीजन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है उनके ओरिजिन के बेस पर। पहला है एक्जोजीनस एंटीजन और दूसरा है एंडोजीनस एंटीजन। तो बेसिकली एक्जोजीनस एंटीजन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक्जोजीनस एंटीजन्स आर द एंटीजन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। तो एक्जोनाम से ही पता लग रहा है ये आउटसाइड से आएंगे। तो एक्जोजीनस एंटीजन्स जो होते हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं, आउटसाइड पार्ट से बॉडी में एंटर करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोवा एंड फ्री वायरसेस। तो वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है और प्रोटोजोवा हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से क्या करेंगे, एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल इनहेल एंड इंजेशन और इंजेक्शन, अगर हम कुछ खा रहे हैं या हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू ये क्या करेंगे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, इनको बोलते हैं हम एक्जोजीनस एंटीजन्स। सेकंड वन है एंडोजीनस एंटीजन, एंडो मींस इनसाइड द बॉडी। तो एंडोजीनस एंटीजन्स आर एंटीजन्स दैट हैव बीन जनरेटेड विद इन प्रीवियसली नॉर्मल सेल एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म। तो एंडोजीनस एंटीजन्स जो होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इनसाइड द बॉडी होते हैं, वहाँ से जनरेट होंगे, जिसे हम बोलते हैं एंडोजीनस एंटीजन। एंडोजीनस एंटीजन आर प्रोटीन फाउंड विद इन द साइटोसोल ऑफ ह्यूमन सेल। तो एंडोजीनस एंटीजन जो होंगे वो प्रोटीन होती है जो कहाँ मिलती है, साइटोसोल में, ह्यूमन सेल के। नेक्स्ट अब एंटीजन्स को उनकी इम्यूनोजेनेसिटी के बेस पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कंप्लीट एंटीजन, सेकंड वन है इनकम्प्लीट एंटीजन। तो अब हम कंप्लीट एंटीजन देख लेते हैं पहले। तो कंप्लीट एंटीजन क्या होते हैं, कंप्लीट एंटीजन्स आर द सबस्टेंस विच कैन इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स बाय देमसेल्फ। तो कंप्लीट एंटीजन नाम से ही पता लग रहा है ये कंप्लीट है, मीन्स वो सबस्टांसिस जो खुद से इम्यून रिस्पॉन्स क्या करते हैं, शो करते हैं। मीन्स अगर कोई एंटीजन बॉडी में एंटर कर रहा है तो एकदम एंटीबॉडी बनेगी और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एकदम रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंटीजन। और कंप्लीट एंटीजन क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। अब सेकंड है इनकम्प्लीट एंटीजन, इनकम्प्लीट एंटीजन्स मतलब वो कंप्लीट नहीं होंगे, इन्हें हम बोलते हैं हेप्टिन्स। तो इनकम्प्लीट एंटीजन्स आर द सबस्टेंस अनेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। तो वो सबस्टांसेस जो खुद से इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं, एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, उन्हें हम इनकम्प्लीट एंटीजन्स कहते हैं और इन्हें हम बोलते हैं हेप्टिन। हेप्टिन जो है ग्रीक वर्ड से आया है, हेप्टिन्स का मतलब है फेल टू एन इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं उन्हें हम हेप्टिन कहते हैं। देन बट कैन इम्यूनोजेनिक, तो ये इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं बट ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इम्यूनोजेनिक वैन कोवेलेंटली लिंक टू प्रोटीन, तो अगर ये किसी प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट एंटीजन्स की तरह एक्ट करते हैं, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट एंटीजन्स होते हैं। और जब ये प्रोटीन के साथ लिंक करते हैं तो हम इसे बोलते हैं कॉल्ड कैरियर प्रोटीन।
अगर ये किसी कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहे हैं तब ये कंप्लीट एंटीजन्स क्या करते हैं, कंप्लीट एंटीजन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन शॉर्ट इनकम्प्लीट एंटीजन्स वो सबस्टांसिस होते हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करते हैं किसी एंटीजन्स के अगेन। प्रॉपर इन्हें एक्ट करने के लिए करियर मॉलिक्यूल्स की नीड होती है। तो ये इम्यूनोजेनिक तब होंगे जब क्या होंगे कि ये किसी करियर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, तब ये क्या कहलाते हैं, कंप्लीट एंटीजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, दे फेल टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर लो मॉलिक्यूलर वेट। तो लो मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। नेक्स्ट, हेप्टिन आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेप्टिन्स होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं बट वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं। बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हेप्टिन्स एंटीजेनिक है या इम्यूनोजेनिक है, तो ये लाइन हम यहाँ याद रखेंगे। अब जैसे इनकम्प्लीट एंटीजन कम्प्लीट तब बनता है जब हेप्टिन्स जो है वो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। आप देख सकते हैं ये हेप्टिन्स है और ये करियर मॉलिक्यूल्स है, जब ये इनके साथ बाइंड करेगा तब ये कम्प्लीट एंटीजन्स बनाता है। तो वही चीज़ बोली गई है कि ये कम्प्लीट एंटीजन कब होंगे, जब ये किसी प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड करेंगे तब हम इनको बोलते हैं कम्प्लीट एंटीजन। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ एंटीजन की। एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो फर्स्ट वन है फॉरननेस। तो फॉरननेस मींस जो भी एंटीजन है, कोई भी सबस्टांस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वो फॉरन होना चाहिए, फॉरन सबस्टेंस होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। मींस अगर वो फॉरन मॉलिक्यूल नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर वो फॉरेन पार्टिकल मींस वो बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन सबस्टांस नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो ये फॉरेन मॉलिक्यूल होना चाहिए, फॉरेन सबस्टांस होना चाहिए। सेकंड वन, मॉलिक्यूलर वेट। द सेकंड रिक्वायरमेंट बीइंग इम्यूनोजेनिक दैट कंपाउंड हैव ए सर्टेन मिनिमल मॉलिक्यूलर वेट। तो सेकंड रिक्वायरमेंट जो है इम्यूनोजेनिक होने की, तो जो कंपाउंड है उसके पास उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। देन देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ इम्यूनोजन एंड इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। तो यहाँ पर उसके साइज, इम्यूनोजन के साइज और उसकी इम्यूनोजेनिसिटी में रिलेशनशिप है एक। इन जनरल स्मॉल कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, एस्पिरिन, आर नॉट इम्यूनोजेनिक। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो 1000 डाल्टन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जैसे पेनिसिलिन, एस्पिरिन, वो इम्यूनोजेनिक नहीं होंगे। नेक्स्ट, एंड दोज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन, जैसे इंसुलिन हॉर्मोन हो गए, तो मे और मे नॉट बी इम्यूनोजेनिक। तो ये इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं और इम्यूनोजेनिक नहीं भी हो सकते हैं। एंड दोज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट आर 6000 डाल्टन, एग्जाम्पल एल्बुमिन, आर जनरली इम्यूनोजेनिक। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 6000 डाल्टन से ज़्यादा है वो इम्यूनोजेनिक, जनरली इम्यूनोजेनिक होते हैं। इन शॉर्ट, रिलेटिवली स्मॉल सबस्टेंस हैव डिक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी वेयर एज लार्ज सबस्टेंस हैव इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी। तो रिलेटिवली स्मॉल सबस्टेंस जो है वो इम्यूनोजेनिसिटी को डिक्रीज करते हैं, वेयर एज जो लार्ज सबस्टेंसेज होते हैं वो इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, केमिकल नेचर। तो एंटीजन का केमिकल नेचर कैसा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो द थर्ड रिक्वायरमेंट बींग इम्यूनोजेनिक दैट कंपाउंड हैव सर्टेन डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो इम्यूनोजेनिक होने के लिए उस मॉलिक्यूल की केमिकल उसके पास सर्टेन डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर लेस एंटीजेनिक ऑन देयर ओन बट डू सो वैन कंबाइंड विद प्रोटीन। तो लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कम एंटीजेनिक होते हैं, बट अगर वे किसी प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड कर रहे हैं तब वो ज़्यादा एंटीजेनिक हो सकते हैं। नेक्स्ट, वर्चुअली ऑल प्रोटीन आर इम्यूनोजेनिक, दे मे बी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। तो वर्चुअली जो
जितने सारे प्रोटीन हैं वो इम्यूनोजेनिक होते हैं, में प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं और लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एंटीजन स्पेसिफिसिटी, तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, इट डिपेंड अपॉन इपिटोप, जो इपिटोप जो बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजिशन ऑफ इपिटोप इन एंटीजन मॉलिक्यूल्स, कि एंटीजन मॉलिक्यूल्स में इपिटोप की पोजिशन कहाँ है जहाँ एंटीबॉडी बाउंड होगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसका, एंटीजन का। नेक्स्ट द एज, एज भी, एज कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस इम्यूनोजेनिसिटी, तो एज जो है वो भी इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे ज़्यादा एज वाले और कम एज वाले पर्सन भी एग्जिबिट कर सकता है, किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है इम्यूनोजेनिसिटी को। नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर्स, सम सबस्टांस आर इम्यूनोजेनिक इन वन स्पीसीज बट नॉट इन अनदर, तो कुछ सबस्टांसिस ऐसे होते हैं जो एक स्पीसीज में इम्यूनोजेनिक है बट दूसरी में नहीं है। सिमिलरली सम सबस्टेंस आर इम्यूनोजेनिक इन वन इंडिविजुअल बट नॉट दी अदर, तो कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जो इम्यूनोजेनिक एक इंडिविजुअल में होते हैं और दूसरे में नहीं होते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर जो है ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एंटीजन की। तो अब हम देख लेते हैं एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसके थ्रू हम एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, देन रिया रेडियो इम्यूनो एसे, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हम कर सकते हैं, देन CFT कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एंड इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, इन टेस्ट के थ्रू हम एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।